अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज रविवार को भी लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया है। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखकर मोर्चरी के बाहर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे पहले अंकिता के पिता और भाई ने भी अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने साक्ष्य मिटाने के लिए रातोंरात वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। अंकिता के भाई अजय भंडारी का आरोप है कि अंकिता को नदी में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। इधर जिलाधिकारी का कहना है कि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंकिता के परिजनों ने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ना आने तक अंतिम संस्कार ना करने की बात कही है। अंकिता और भाई ने कहा है कि उन्हें इस बात का शक है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी की जा सकती है और पूरी जांच को भटकाया जा सकता है। उसके माता पिता के द्वारा वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है और जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता वह अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप भी सुनिए क्या कहा अंकिता के परिजनों ने। जो सरकार ने गिराया उसको भी आप बता रहे हैं? हाँ, जो सरकार ने जो वनांतरा रिजॉर्ट क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से, तो एक तो ये मेरी मांग है। दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है कि पीएम रिपोर्ट एम्स के आप लग रहा है कि दाल में होगा? हो सकता है इसमें दाल में कोई काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं अपनी लड़की का देह संस्कार करूँगा। अपना नाम बताइए। अजय सिंह भंडारी, मैं बहन का भाई हूँ, अंकिता का भाई हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे। सर, अभी जो हम लोग को परिजन हैं वो बोल रहे हैं कि जब तक टीम रिपोर्ट नहीं आती तब तक अपने स्थान नहीं लीजिए, बात सकते हैं आप उनकी बातचीत चल रही है? हमारी बात चल रही है, अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। मैं हमारी बात वहाँ चली है, जैसी चीज़ें क्लियर होती आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं, तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार वाले। फिलहाल जो 8 बजे का बात चल रही थी, फिलहाल अंतिम संस्कार फिलहाल रुका हुआ, अभी तो सब लोग इधर ही हैं, आप देख ही रहे हैं।